आप आगे खुश सकते हैं और हमारे जो सर आए हैं उनको मौका होगा और दूसरी बात उनका परिचय जो है लेना चाहूँगा। सर हमारे जो आईटी का जो जो ऑनलाइन का जो कारोबार है पूरा सर ही संभालते हैं और सर हमको एक अच्छा आसन जो डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए लेकिन हमें लगता है आप कर सकते हैं ऐसा हाथ उठाइए हाथ उठाइए आप लोग बहुत लगे हैं कि आपको बहुत ही एक्सपीरियंस की जरूरत जी सुरेखा मैडम और आरती मैडम आपको मिली है क्योंकि उन्होंने योगिता निकेतन से बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग लिया है और एक एक आसन की टेक्निक उसका कंट्राइंडिकेशन उसके बेनिफिट सीखे हैं और सीखने के बाद में आपको सिखा रहे हैं। योगिता निकेतन से हर एक सीनियर टीचर यहाँ पर आता है हर दिन और एक ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग कि पूरा उम्र हम लोग दूसरों के लिए कार्य करते रहते हैं तो ये कम से कम एक महीना अपने लिए लीजिए, मन को कि अभी बाहर मत जाने दीजिए, अपने साथ रखिए। जैसा टीचर लोग समझाते हैं आपको वैसे ही कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए। हमारे जो सर हैं सर थे हमारे जो निभाकर सर उन्होंने बहुत ही मेहनत से ये जो पैकेज है आपका एक महीने का पैकेज ये डिजाइन किया है और इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। निभाकर सर को अब्दुल कलाम से अवार्ड भी दिया। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट पैकेज एक महीने का पैकेज आपके लिए डिजाइन किया गया है और सिस्टमेटिक वे में आपको सिखाया जा रहा है। अभी अब तक प्रिपरिंग कोर्स आई थिंक खत्म हो गया है ना सर, और आज से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा आपका। इसी तरह से एक इस वीक के अंदर पूरा इंप्लीमेंट खत्म हो जाएगा, फ्री स्टैंडर्ड में आ जाएंगे आप, फिर फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। तो ग्रेजुअली आप एक एक चीज़ सीख रहे हैं तो एक महीने के अंदर इतना कुछ आपको फायदा मिलने वाला है कि वो आप खुद ही उसको महसूस करेंगे। फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है आपकी आपसे कि पूरा यह है एक महीना एक घंटा लगभग एक घंटा एक से सौ घंटा अपने लिए दीजिए, आसनों की टेक्निक को समझिए अच्छी तरह से। मेन एम है बीमारियों से दूर रहना, अपने को स्वस्थ रखना, स्वस्थ रहेंगे तो बहुत सारे पैसे बचेंगे हम लोगों के और वो पैसे बचेंगे तो भले कार्य में कर सकते हैं। ठीक है, जो आपसे छोटी मोटी राशि ली गई है वो आपके ऊपर ही खर्च होने वाली है। योगिता निकेतन जो है एक अपना सामाजिक संस्था है और डोनेशन के ऊपर चलती है, तो जो भी कुछ आपसे राशि ली जाती है सहयोग राशि वो आपके ऊपर ही खर्च की जाती है। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बीमारी से दूर रहिए और पूरा लाइफ की जो आपकी मिली है जिंदगी आपकी उसमें खुद को स्वस्थ रहेंगे, खुद अपनी हेल्प करेंगे और दूसरों की भी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।